वेलकम इन एस्ट्रोलॉजी लॉजिक चैनल। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कर्क लगन में सूर्य का क्या फल मिलेगा उसके बारे में। सभी भावों में सूर्य आपके कर्क लगन के अंदर क्या फल देगा उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं सूर्य क्या है। सूर्य आपके पिताजी का कारक है, फादर का कारक है, गवर्नमेंट जॉब सरकारी नौकरी का कारक सूर्य बनता है और इम्यूनिटी रोग प्रतिरोधक क्षमता आपके शरीर की सूर्य से देखी जाती है। और वहीं आपका नेम एंड फेम जो होता है वो भी सूर्य से देखा जाता है। गवर्नमेंट जॉब में प्रमोशन कितना होगा, कब होगा, वो सूर्य से देखा जाता है। और सूर्य मेष राशि में उच्च का हो जाता है, वहीं तुला राशि में सूर्य नीच का हो जाता है और सिंह राशि में सूर्य स्वय राशि हो जाता है। दोस्तों अब बात करते हैं, देखिए कर्क लगन में अगर सूर्य विराजमान हो जाए तो आपको क्या फल देगा। कर्क लगन में सूर्य विराजमान होने से ऐसे लोग काफ़ी ज़्यादा तेजस्वी होते हैं और पढ़े लिखे बहुत ही इंटेलिजेंट होते हैं, मेहनती काफ़ी ज़्यादा होते हैं, पानी की तरह मेहनत करते हैं। जितना पानी बहता है, क्योंकि ये जल तत्व राशि है और सूर्य अग्नि तत्व आ जाता है, तो यहाँ पे पानी की तरह मेहनत करते हैं, बहुत ऊर्जा बहुत होती है। लेकिन जब भी महादशा सूर्य की आती है तो ऐसे लोग अस्वस्थ देखे जाते हैं, क्योंकि अपने से बारवां हो गया है और अपने से बारवां जब ग्रह होता है तब थोड़ी बहुत दिक्कत समस्याएं देता है। अब बात करते हैं सूर्य अगर धन भाव का मालिक अगर अपने ही घर में सेकंड हाउस में अपने ही स्वय राशि होकर बैठा हुआ है तो आपको क्या फल देगा। धन भवन में बैठा हुआ है, धन की शक्ति खूब प्राप्त करेगा, क्योंकि अपने घर में बैठा हुआ है, खूब ज़्यादा धन परिश्रम से मेहनत से कमाएगा, खूब ज़्यादा उनके पास धन होगा, पैतृक संपत्ति भी मिलेगी। सातवीं दृष्टि से अष्टम भाव को देखता है, इसलिए इन लोगों को पैतृक संपत्ति भी मिलती है। लेकिन सूर्य यहाँ पे कुटुंब में थोड़ी बहुत दिक्कत समस्याएं पैदा कर देता है, क्योंकि वाणी इनकी उग्र हो जाती है, बहुत ज़्यादा उग्र वाणी स्वभाव के हो जाने के कारण कुटुंब में थोड़ी बहुत दिक्कत समस्याएँ आती रहती है। अब बात करते हैं अगर सूर्य आपके तीसरे भाव में विराजमान हो तो आपको क्या देगा फल। सूर्य यहाँ पे अपने से दूसरा हो गया और मित्र की राशि का हो गया, और जब भी पाप ग्रह और उग्र ग्रह तीसरे भाव में आते हैं तब और ज़्यादा प्रभावी हो जाते हैं। तो सूर्य अपने से एक तो दूसरा हो गया और तीसरे घर में आ गया, तो भाइयों से काफ़ी ज़्यादा लाभ मिलता है ऐसे लोगों को। भाइयों से बहुत धन कमाते हैं और इनका भाग्य भी भाइयों के द्वारा चलता है। और सूर्य अपनी महादशा में सबसे अच्छा फल देता है और अपने कुटुंब और भाइयों से मिलकर ऐसे लोग चलते हैं। सूर्य अगर आपके चतुर्थ भाव में विराजमान हो तो आपको क्या फल देंगे उसके बारे में बात करेंगे। सूर्य चतुर्थ भाव में आपके माता के भूमि के प्रॉपर्टी के अंदर आकर बैठ गया, लेकिन यहाँ सूर्य हमने बताया था नीच का हो जाता है, और नीच का सूर्य हमेशा आपको थोड़ी बहुत दिक्कत समस्याएं जरूर देगा। कोई भी प्रॉपर्टी होगी उसमें काम अटका देगा, आपकी माता का जो स्वास्थ्य रहेगा वो थोड़ा बिगड़ा हुआ रहेगा। सूर्य की महादशा में हमेशा जातक को भूमि मकान व माता का सुख कभी नहीं मिलेगा। अगर आपका सूर्य की महादशा चल रही है और आप मकान लेने का सोचते हो तो आपकी बात कभी नहीं बनेगी, क्योंकि तुला राशि में नीच का सूर्य है उस वक्त अपना फल नहीं दे पाएगा। और विदेश सेटलमेंट की संभावना बनी रहती है, लेकिन माता से हमेशा मतभेद रहता है। अगर सूर्य आपके पंचम भाव में वृश्चिक राशि के अंदर विराजमान हो तो आपको क्या फल देगा उसके बारे में बात करेंगे। अचानक हानि होने की स्थिति रहती है, बड़े भाई बहनों से संबंध खराब रहते हैं, संतान देरी से होती है और या संतान समस्या होती है, और पेट में काफ़ी ज़्यादा समस्या एसिडिटी बनी रहती है, क्योंकि यहाँ पर सूर्य पंचम भाव में हमेशा थोड़ी बहुत दिक्कत समस्याएं पैदा करता है। क्योंकि पेट में गर्मी होना, गर्म ग्रह है और ये गर्म वृश्चिक राशि भी एक गर्म राशि है, तो यहाँ पर पेट समस्याएं, पेट संबंधी दिक्कतें आती है, संतान संबंधी भी दिक्कतें पैदा करता है, इसलिए सूर्य यहाँ पे इतने अच्छे फल नहीं देगा। लेकिन सातवीं दृष्टि से लाभ भाव को देगा, तो लाभ भाव आपको धन संबंधी हमेशा प्रॉफिट करवाता रहेगा। अगर सूर्य आपका छठे स्थान में बैठा है तब आपको क्या फल देगा उसके बारे में बात करेंगे। अगर छठे स्थान में सूर्य विराजमान है धनु राशि के अंदर, तो आपका गला बहुत बार खराब रह सकता है,
कुटुंब से दूरी होने के योग भी बने रहते हैं, क्योंकि अपने से एक दो तीन चार पाँच पंचम स्थान यात्राओं का भी रहता है। तो अपने कुटुंब से भी दूरी, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ नवम, अपने से नवम हो गया ये इधर से, तो कुटुंब से भी अपनी दूरी बनी रहती है, यात्राएं करता रहता है ऐसे लोग। और सूर्य की महादशा में हमेशा जातक का जो भी काम होगा, कोर्ट केस का, हॉस्पिटल का, हमेशा खर्चा बना रहेगा। सूर्य की महादशा में कोर्ट केस बने रहेंगे, हॉस्पिटल्स के, क्योंकि सातवीं दृष्टि से मिथुन राशि को देख रहा है, तो कोर्ट केस के झगड़े या फिर अस्पताल के खर्चे बने रहेंगे। और दुर्घटना का भय बना रहता है, क्योंकि दुर्घटना का, छोटी छोटी दुर्घटनाओं का घर भी है छठा स्थान। छठा स्थान में सूर्य यहाँ पे अच्छे फल नहीं देता, क्योंकि मार्केश सूर्य यहाँ पर, लगन में सूर्य यहाँ मार्केश बना हुआ है, द्वितीय भाव को मार्केश बोलते हैं, और छठे स्थान में बैठ जाने से दिक्कत समस्याएं पैदा करता रहता है। अब बात करते हैं, सूर्य अगर आपका मकर राशि में, शत्रु की राशि में सूर्य सप्तम भाव में विराजमान होगा, तो आपको क्या फल देगा। जातक जातिका का वैवाहिक, जातक जातिका का वैवाहिक सुख बहुत ही दिक्कत समस्या में रहेगा। सूर्य की महादशा में वैवाहिक जीवन कभी सुखी नहीं रहता है, कम से कम 10 साल लग जाते हैं अपने शादी लाइफ को ठीक करते करते। पति या पत्नी घमंडी स्वभाव का हो सकता है, ईगो प्रॉब्लम हो सकती है यहाँ पर। अगर पति की कुंडली है, सूर्य बैठा हुआ है, तो उसकी पत्नी में ईगो होगा, या अगर वाइफ लड़की की कुंडली है, तो उसके हस्बैंड में बहुत ज़्यादा ईगो भर देगा सूर्य, और शादी लाइफ में दिक्कतें पैदा कर देगा। ऐसे अगर यहाँ पर अगर सूर्य के साथ राहु भी बैठ जाए, तो उनका डिवोर्स भी हो सकता है। मंगल बैठ जाए तो भी लव मैरिज तो होगी, लेकिन डिवोर्स होने के चांसेस बन जाते हैं। अब नवम भाव, यहाँ पे अष्टम भाव में अगर सूर्य आपके विराजमान है, तो आपको क्या फल देगा, उसके बारे में बात करेंगे। अगर सूर्य आपके अष्टम भाव में विराजमान है, तो हर काम में आपके थोड़ी बहुत रुकावटें डालेगा, क्योंकि अपने शत्रु राशि में विराजमान है। हालांकि सातवीं दृष्टि से अपने ही घर को देख रहे हैं, पैतृक संपत्ति तो दिलाएगा आपको, पिताजी या दादाजी की संपत्ति तो दिलाएगा, लेकिन आपके हर काम में रुकावटें डालेगा, अड़चने डालेगा, और अपनी सूर्य महादशा या अंतरदशा में टेंशन बनाए रखेगा, क्योंकि अष्टम भाव में है, तो आपको कुछ ना कुछ टेंशन लगी रहेगी। और आपकी इस टाइम बुद्धि साथ नहीं देती है, जब आपको कोई काम करना हो उस टाइम आपकी बुद्धि भी साथ नहीं देती है। अगर सूर्य आपके नवम भाव में विराजमान है, तो आपको क्या फल देगा, उसके बारे में बात करेंगे। सूर्य अगर आपके नवम भाव में विराजमान है, ऐसे लोग पितृ भक्त नहीं होते हैं, लेकिन धार्मिक बहुत रहेंगे, धर्म कर्म काफ़ी अच्छा करेंगे, भाग्य को तेज करेंगे, भाग्य से पैसा कमाएंगे, इनका भाग्य हमेशा साथ देगा। विदेश यात्रा करते रहेंगे, ऐसे लोग विदेश की काफ़ी ज़्यादा यात्रा करते हैं, लेकिन परिवार और कुटुंब का साथ नहीं मिलता है। सूर्य अगर दशम भाव में उच्च का होकर विराजमान हो, तो आपको क्या फल देगा। जातक को, क्योंकि यहाँ पर बैठा हुआ सूर्य है, अपनी सातवीं दृष्टि से भूमि भवन मकान को देखेगा। उच्च का सूर्य आपको हमेशा अपनी महादशा अंतरदशा में भूमि मकान और माता का सुख दिलाएगा, आपकी तरह तरह की प्रॉपर्टी बनेगी, आपका नेम एंड फेम बनेगा, आपके गवर्नमेंट जॉब में प्रमोशन के योग बनेंगे। जब जब महादशा अंतरदशा आएगी, सूर्य आपको यहाँ पर सबसे अच्छे फल देगा। अब बात करते हैं, अगर सूर्य आपके एकादश भाव में है, सूर्य एकादश भाव में अगर स्थित है, तो बड़े भाई बहनों से आपको थोड़ी बहुत परेशानी रह सकती है। वहीं आपके पेट सातवीं दृष्टि से पेट के भाव को देखेगा, पंचम भाव को, तो पेट में आपके एसिडिटी बनी रहेगी। आपको पुत्र प्राप्ति का योग तो बनता है, क्योंकि सूर्य हमेशा एक पुरुष ग्रह है, जब अपनी सातवीं दृष्टि से देखेगा पंचम भाव को, संतान के घर को, तो आपको पुत्र सबसे पहले जो होगा, आपको पुत्र का योग बनेगा, पुत्र के लिए आपको हमेशा साथ मिलेगा, पुत्र भी आपका तेजस्वी होगा, लेकिन आपका मन हमेशा खिन खिन सा रहेगा। निर्णय लेने में समस्याएं आती, क्योंकि शत्रु राशि में बैठा हुआ है, तो आप जो निर्णय लोगे वो बहुत बार आपको समस्याएं करेगा। अगर 12वें भाव में सूर्य बैठा है, तो आपको क्या फल देगा। 12वें भाव में सूर्य, उनका मन काफ़ी ज़्यादा परेशान रहता है, कोर्ट केस हॉस्पिटल्स में खर्चे रहते हैं, क्योंकि ये हॉस्पिटल का घर है, और ये सामने जो है कर्जों का घर है, कोर्ट केस का घर है, तो आपको सातवीं दृष्टि से देखेगा, तो कोर्ट केस में आपके लफड़े रहेंगे। सूर्य की महादशा में हमेशा व्यर्थ से खर्चे बने हुए रहेंगे, हालांकि उन खर्चों से भी आपको फायदा होगा, क्योंकि ये अपने से एकादश है, इसलिए आपको खर्चों से भी फायदा होगा। दोस्तों, अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। ऐसे ही आने वाले हैं हमारे और अच्छे अच्छे वीडियो। धन्यवाद दोस्तों, जुड़े रहें हमारे चैनल से।